अस्सलाम वालेकुम, हैक्स बाय ताबिया में आपको वेलकम कहते हैं। आज मैं ऑरेंज के छिलकों से होममेड सोप बनाऊंगी जो कि विटामिन सी से भरपूर, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ऑरेंज जो होता है विटामिन सी से भरपूर होता है। तो आपने क्या करना है कि ऑरेंजेस के दो ऑरेंज के छिलके ले लेने हैं और उनका पेस्ट बना लेना है। उनको बहुत अच्छे से पीस लेना है मशीन में और उनका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है और उसके अंदर हमने ऐड करने हैं दो विटामिन ई के कैप्सूल। दो माल्टे लिए हैं तो हमने दो कैप्सूल ऐड किए हैं। अगर आप इसको हाफ क्वांटिटी में बनाना चाहें तो आप एक माल्टे के अंदर एक विटामिन ई का कैप्सूल ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और उसके बाद ये बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट हमारे पास आ जाएगा। आपने इसको पतला नहीं करना, पानी नहीं डालना और स्मूथ सा थिक सा पेस्ट बनाना है, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या करना है कि इस पेस्ट के अंदर विटामिन ई के कैप्सूल के अलावा आपने इसमें 1 टेबल स्पून ग्लिसरीन का भी ऐड कर देना है। ग्लिसरीन से क्या होता है कि ये हमारी स्किन को सॉफ्ट करती है। अच्छा, अब मैंने ली है सोप बेस और सोप बेस का आपने छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लेना है, पीसेस में काट लेना है और उसके बाद इसको डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट करना है। नीचे बॉयलिंग का पानी आपने चूल्हा जला के रखना है और इसके ऊपर कोई भी पॉट आपने रखना है। यकीनन आप स्टील का या सिल्वर का पॉट ही रखेंगे कि जिसके ऊपर आप इसको आराम से मेल्ट कर सकें। और इसके अंदर सारा सोप मैंने डाल दिया है और अब इसको स्पून से हिला के किसी भी चीज़ से आप चलाते रहेंगे ताकि ये चारों तरफ से हर जगह से पूरा मेल्ट हो जाए। इसके सारे क्यूब्स जो हैं वो अच्छी तरह से सब मेल्ट हो जाए, ठीक है। इसको अच्छी तरह से हमने मेल्ट कर लेना है पूरा और डबल बॉयलर मेथड से नीचे से फ्लेम चूल्हे की ऑफ नहीं करनी है, चूल्हा जला के रखना है हल्का सा ताकि ये उसकी हीट से सब हमारा सोप बेस जो है वो अच्छी तरह से पूरी मेल्ट हो जाए। और जब ये पूरी सोप बेस मेल्ट हो जाएगी तो इसके अंदर आपने ऐड करना है वो पेस्ट जो आपने बना के रखा था। अच्छा, आपने सारा पेस्ट एक साथ नहीं डालना वरना इसकी लम्प्स बन जाएंगे। तो आपने एक एक स्पून डाल के इसको मिक्स करते जाना है, हिलाते जाना है, आहिस्ता आहिस्ता सब तरफ से हिलाते जाना है कि कहीं कोई लम्प ना रह जाए। तो एक एक करके एक एक चम्मच डाल डाल के पहले इसको पूरा मिक्स करें। इसी तरह से करते करते आपने इसको पूरा ऐड कर देना है। पूरे दो ऑरेंजेस का जो हमने पेस्ट बनाया था वो पूरा एक पाव के सोप बेस में आपने ऐड कर देना है, ठीक है। सोप बेस जो होता है वो पावर किलो के हिसाब से मिलता है। तो मैंने एक पाव का सोप बेस लेके इसके अंदर दो माल्टे का छिलका लेकर उसका पेस्ट बनाकर आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड कर देना है और उसको मिक्स करते जाना है। सब तरफ से मिक्स करना है और नीचे से आपने फ्लेम भी बंद कर देनी है और इसको आपको इसके ऊपर ही रखे रहने देंगे, पॉट को नीचे नहीं उतारेंगे क्योंकि गर्म पानी है, ये सोप बेस जो है नीचे आते ही फौरन जमना शुरू हो जाती है। तो इसलिए आपने इसको गर्म पानी के ऊपर रख के ही पूरा अपना पेस्ट इसके अंदर मिक्स कर देना है, नीचे नहीं उतारना है। जब आप इसके अंदर पूरा मिक्स कर देंगे तो फिर आपने इसको सोप मोल्ड्स में ट्रांसफ़र कर देना है। और अगर आपके पास सोप मोल्ड्स नहीं हैं, और मेरे पास जैसे सोप मोल्ड्स नहीं थे, तो मैंने ये किया कि अपना कोई भी डिस्पोजेबल जो हमारे अंदर पॉट्स होते हैं हमारे घरों में, हर किसी के घर में वो पॉट्स तो अवेलेबल होते ही हैं जो डिस्पोजेबल होते हैं। तो आपने ये करना है कि इसको अच्छी तरह से मिक्स करके पूरा और इसको आपने या तो मोल्ड्स में कन्वर्ट कर लेना है, मोल्ड्स में ट्रांसफ़र कर देना है। मेरे पास मोल्ड अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसको डिस्पोजेबल पॉट में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो आपने भी इस डिस्पोजेबल पॉट्स में ट्रांसफ़र कर दें, कोई मसला नहीं है। घर के यूज़ के लिए आपने इसे बनाना है अपने लिए, घर के लिए, तो आप इसको घर में ऐसा ही बना सकते हैं। डिस्पोजेबल पॉट्स में आराम से इजीली बन जाता है। उसके बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना है 2 से 2.5 घंटे के लिए और उसके बाद ये देखेंगे मेरा सोप रेडी है। ये इसको आपने पीसेस में कट कर लें, बहुत अच्छा ये देखें स्मूथ सा मेरा बहुत ज़बरदस्त सोप रेडी है। और अगर आपके पास मोल्ड होंगे तो ये नीचे से प्रेस करने पे निकल आएगा, लेकिन ये डिस्पोजेबल पॉट है, मेरे पास मोल्ड नहीं था। तो आपने चारों तरफ से किनारों पे से इसको नाइफ से बराबर बराबर चलाते जाना है और ये देखिएगा ये कितना ईजिली आराम से पूरा निकल के आ जाएगा।
मैंने पहले इसको नाइफ से चारों तरफ से ऐसे हटाया और अब इसको पीछे से आप प्रेस करेंगे तो ये पूरा निकल के आराम से बाहर आ जाएगा। इसका कोई मसला नहीं है कि इसके ऊपर चिपक जाएगा या कुछ। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त से मेरे विटामिन सी से भरपूर ऑरेंज के सोप रेडी हैं।